हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैफ, वेलकम टू माय चैनल। बंधुरा, जो आदमी बैंक मार्केट का नया अकाउंट खोला है, आप मोबाइल में यह बैंकिंग सिस्टम चालू करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना चाहता है नया, हम आपको ये वीडियो में दिखाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करता है। चलिए हम लोग शुरू करता है। पहले आप बैंक मार्केट का जो ऐप से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, बाद में इधर से लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, अलाउ कर लेना जो भी आता है पूरा, बाद में नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट फिर कर देना, आप स्किप भी कर सकता है, तो इधर गेट स्टार्ट कर देता है। बाद में इधर ऊपर देखो, लॉगिन है, न्यू यूज़र है, न्यू फ़ोन है, तो आप लोग न्यू यूज़र में इधर क्लिक करेंगे ना, बाद में इधर स्टार्ट कर देना। बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है उमन का, वो नंबर इधर डाल देना, जो अकाउंट खोलने का टाइम नंबर दिया था वो नंबर इधर डालना है। बाद में जो आपका बैंक कार्ड का, जो एटीएम कार्ड का जो ऊपर नंबर होता है वो नंबर इधर डाल देना है। उसके बाद में जो चार संख्या का जो आप एटीएम बूथ में पिन लगा है, पासवर्ड लगा है, वो पासवर्ड नीचे का तरफ डाल देना है। जो आप पैसा उठाने के लिए कार्ड अंदर देने का बाद में चार संख्या का देता है वही देना। देने का बाद कंफर्म कर लेना, बाद में इधर सबमिट कर लेना। दूसरा एक बात आपको बताता है, हम बहुत बार कोशिश किया ऐसा करने का, मेरा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा है यह हम आपको बताता है। आपका मोबाइल में बैलेंस रहना ज़रूरी है, बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका जो ओटीपी है वो नहीं भेजेगा सिम से। लाजम आपका बैलेंस में 200 पैसा 500 पैसा रहना मांगता है। जब पैसा रखेगा, जब आप मैसेज सेंड करेगा, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल में जो सिम लगाए वो सिम में ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डायल करके फिर ये ऐप्स चालू कर सकते हैं। अगर मोबाइल में ऐसे मैसेज भेजता रहता है क्योंकि ओटीपी नहीं आता है, ओटीपी नहीं आ रहा है इसीलिए आपका मोबाइल में बैलेंस नहीं रहेगा। कोई भी सिम हो, बैलेंस नहीं रहेगा तो ओटीपी नहीं आएगा। इधर से आपको 100-200 पैसा कट करेगा ओटीपी के लिए। आपका ओटीपी ऑटोमेटिक आके सेट हो जाएगा, आप सबमिट कर देना। सबमिट करने का बाद में फिर ओके कर देने का बाद देखो फेज ऐसा आ जाएगा। आपको जो ऊपर है स्टार स्टार है, उधर यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी मतलब आपका नाम का साथ कोई भी संख्या रहना चाहिए, जो 20 10 15 ऐसा कोई दो तीन संख्या लगा देना है। मोबाइल नंबर का जो आपका लास्ट तीन जो वर्ड है वो भी लगा सकते हैं आप नाम का साथ। बाद में इधर नीचे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर भी दे सकता है, कोई भी आप दे सकता है। सेंटर में पासवर्ड देना ज़रूरी है। बाद में जो पासवर्ड सेंटर में देगा वो पासवर्ड फिर दोबारा देना है नीचे। देने के बाद इधर सिलेक्ट जो लैंग्वेज लिखा है, इधर सिलेक्ट आपका इंग्लिश कर देना। करने के बाद इधर देखो आई एग्री लिखा है, इधर एक घर है इसमें टिक मार दे देना। देने के बाद में इधर देखो, इधर सबमिट कर देना है, सबमिट कर देना है, इधर सबमिट कर देना। बाद में आपका फेज ऐसा आ जाएगा। देखो इधर लिखा है सक्सेसफुल हो गया, आपका जो यूज़र पासवर्ड है वो सक्सेसफुल पूरा हो गया। अभी क्या करने का है, अभी फिर आपको इधर क्लिक करने का है, डन में क्लिक करो। क्लिक करने का बाद आपका ओपन ऐसे आ जाएगा, पहला जैसा था ऐसा। तो आप जो यूज़र आईडी डाला है वो ऊपर इधर डालने का है, ऊपर। जो पासवर्ड डाला है वो नीचे डालना है। डालने के बाद इधर लॉगिन में क्लिक करना है, लॉगिन में क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखो ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने के बाद देखो आपका जो जो अकाउंट है वो खोला हो गया। आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है पूरा सब कुछ है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।